आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का, 4 बजे शाम तक हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके पैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है, भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है। भाजपा के लोग जो बेईमानी किए थे, जो अधिकारी थे उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम किया। तो जो वोट रद्द किया था आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का, 4 बजे शाम तक हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके पैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम उनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। और लेकिन एक ही लक्ष्य था, 2024 में मोदी जी को रोकना है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है, भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलके 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर, सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटसे के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए सिवान की जनता से हम पूछ रहे हैं। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था? किसके मुंह से सुना था? जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके वेतन देगा, असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से भी हमने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई हो तो हमको बताइए।
कहीं भी। मोदी जी तो रेल बेच दिए, शेयर बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, बहाली खत्म हो गया। उसने नौकरी तो देना तो छोड़िए, वो नौकरी छीनने का काम किया है। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देंगे, और सत्ता में आते हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। यही नहीं, जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है, सबका दुगुना हुआ। लेकिन आशा दीदी ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया है। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपए मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।